नमस्कार 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के एवं पाठक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा भालोबासा खूब भालो थाकुन स्टे ट्यून्ड ऑल द बेस्ट 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों के जाना आंतरिक शुभेच्छा दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार बेस्ट विशेस एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स रिश्ता भरोसे का नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार मैं सप्तर्षि दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कंट्रोल एस अपने एक्सपेंशन मोड पर है जी हाँ इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है सुरेश कुमार राठौर जी पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जो एक्सपेंशन आप करने वाले हो अपनी कंपनी का विस्तार करने वाले हो वो कोलकाता को ही अपने क्यों चुना टारगेट मतलब मार्केट हो या एरिया क्यों चुना आपने देखिए सप्तर्षि जी अगर आप देखेंगे तो लास्ट 15 सालों में जिस हिसाब से मुंबई कोलकाता चेन्नई और हैदराबाद का एक्सपांशन हो चुका है और वहाँ पर काफ़ी डेटा सेंटर ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने और काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर ने लगाए हैं इंक्लूडिंग कंट्रोलर्स डेटा सेंटर बट अगर आप देखोगे लास्ट 6-7 सालों में एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो कि कोलकाता बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल अपने सेवन सिस्टर्स इस बेल्ट में डेटा कंजम्पशन का जो यूसेज आफ्टर जो हमारी डेटा की प्राइजेस बहुत कम हुई इसके बाद यहाँ पे डेटा कंजम्पशन का जो ग्रोथ हुआ है उसको केटर करने के लिए कोई ऐसा वायबल डेटा सेंटर था नहीं तो हमको लगा कि कोलकाता और एंटायर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पर डेटा सेंटर की और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में इस पूरे डेटा कंजम्पशन को यही लोकली कोलकाता से ही सर्व किया जा सके तो इस हिसाब से हमको लगा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कोलकाता को चुना जाए और कलकत्ता में भी वेस्ट बंगाल सरकार ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया न्यू टाउन जो उनकी सरकार के भी विशलिस्ट है कि उसको एक आईटी हब बनाया जाए तो सरकार और हमने साथ में मिलकर ये हम देख रहे हैं कि न्यू टाउन को कैसे डेटा सेंटर हब में परिवर्तित किया जाए और काफ़ी सारे प्रोवाइडर यहाँ पर आने को उत्सुक हैं लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि कंट्रोलर्स डेटा सेंटर सबसे पहला होगा जो डेटा सेंटर इस दौर में वापस से शुरू करने वाला है तो हमारा मतलब न्यू टाउन में लगभग 60 मेगावाट का फेस एंटायर कैंपस है 60-80 मेगावाट उसमें से 16 मेगावाट हम 15 अगस्त को लाइव करने जा रहे हैं विद एंकर कस्टमर और कस्टमर भी ऐसा कि अमेरिकन जायंट है और उनके यहाँ आने से न केवल हमारे डेटा सेंटर का बट कलकत्ता और आसपास के राज्यों की जो इकोनॉमी होगी जो जॉब क्रिएशन होगी उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है सर आपने पावर की बात कही अभी कितने रेक होंगे क्या मतलब इसकी सुविधाएं और क्या क्या मिलने वाली है सर देखिए क्या है ना कि डेटा सेंटर जो भी होता है वो किसी को दिखता नहीं है आप समझो आप गूगल यूज कर रहे हो आप याहू यूज कर रहे हो आप कोई वीडियो देख रहे हो आप कोई एंटरटेनमेंट देख रहे हो तो आप देख रहे हो लेकिन वो आपको सर्व कहाँ से हो रहा है वो आपको शायद आम जनता को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ से सर्व हो रहा है और जब आपको चाहिए समझो आप कोई एटीएम में ट्रांजेक्शन कर रहे हो या आपने कार से कोई ट्रांजेक्शन किया और आपको कभी फेलियर आ गया तो क्या कितनी बड़ी दुविधा हो जाती है आप जीपे यूज कर रहे हो और अगर आप बट वो फाइनली ये जितनी भी सुविधा है ये होती कहाँ से अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूँ कि हमने बहुत सारी अच्छी सी कोट पहन ली अच्छी सी गाड़ी यूज कर ली अच्छे से शूज पहन लिए वो तो सबको दिखता है लेकिन हमारे ये बर्ताव को जो सुविधा देता है वो कौन है वो शरीर का एक हार्ट है हृदय है उसका बेचारे का काम है कि 24 घंटा चलना और कभी भी कोई भी टाइप की तकलीफ ना देना और कभी उसने गलती से तकलीफ दे दी तो आपको मालूम है क्या हो जाता है तो डेटा सेंटर का लगभग आईटी के पूरे क्षेत्र में वही काम है कि 24 घंटे उसको चलना है विदाउट फेल चलना है 24 घंटे 365 डेज चलना है विदाउट एनी ब्लिप और उसको वैसे चलने के लिए उसमें जिस तरह की जो सुविधाएं लगती हैं उसमें हम जो है कंट्रोलर्स वो हमारी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने रेटेड 4 एशिया में नॉट ओनली इंडिया में एशिया में बात की जा रही एशिया में हम जब 2008 में हमने लॉन्च किया था हैदराबाद में तब हम एशिया में पहले थे अब थोड़े से कहीं कहीं आगे हैं रेट
तो इसलिए मैंने अभी वो शब्द से थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, लेकिन आज भी एशिया में लार्जेस्ट डेटा सेंटर अगर रेटेड 4 है तो वो सिर्फ कंट्रोल एज के डेटा सेंटर है। और रेटेड 4 में क्या होता है, मतलब एक आम लोगों की जुबानी में अगर मैं आपको बताऊं तो एक आम मानव को 2 हार्ट के साथ अगर पैदा किया जाए तो कितना अच्छा हो जाए, इन द सेंस वो कभी शायद इमॉर्टल रहेगा, कुछ होगा ही नहीं उसको, राइट। कभी भी कुछ हो तो ले भाई डॉक्टर ये हार्ट को संभाल ले, यू नो लाइक दिस। कंट्रोल एज क्या करता है कि कंप्लीटली रिडंडेंट फॉल्ट टॉलरेंट डेटा सेंटर बनाते हैं, जिसकी डिजाइन में लगभग 99.995% अप टाइम की संभावना रहती है। वो अलग बात है कि लगभग लास्ट 15 सालों से जब से हमारी कंपनी ने डेटा सेंटर की शुरुआत की थी हैदराबाद से, आज तक 0 इंसिडेंट्स के साथ हम डेटा सेंटर चला रहे हैं, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट्स, विद 100% अप टाइम हम डेटा सेंटर चला रहे हैं। सर आप इंसिडेंट की बात आपने कही है कि तो सिक्योरिटी की बात भी आ जाती है, तो आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर लेते हो सर? देखो सिक्योरिटी का क्या है ना, सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अ फिजिकल सिक्योरिटी बट ऑल्सो वर्चुअल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। और जब सिक्योरिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि आप क्या करना चाहते हो और आपके पास जो कस्टमर्स की असेट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हमारी कंपनी हमेशा से जब से हमारी शुरुआत हुई है हम मिनिमम 8 जोन की सिक्योरिटी डेटा सेंटर में लगाते हैं, और कहीं कहीं तो हमने 9 जोन भी किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन वहाँ की कैसे क्या मतलब लोकेशन की क्या जरूरत है। तो राइट फ्रॉम जैसे ही आप कोई भी डेटा सेंटर, अगर आप हमारे बॉम्बे डेटा सेंटर में आओगे तो बहुत सारे लोग आके पूछते हैं यार ये क्या फोर्ट है या किला है क्या है ये, तो उस तरह की एक सुविधा हमको सिक्योरिटी में देनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका डेटा उनकी असेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वो हमेशा किसी न किसी सिक्योरिटी थ्रेट वालों के उसमें रहती है कि भाई इनको कैसे मतलब किया जाए या उनको सिक्योरिटी को कैसे तोड़ा जाए या कैसे किया जाए। तो हमारे पास भारत की सबसे बड़ी बैंक्स अगर आप बोलो तो 80 बैंक के आसपास हमारे साथ काम करती है, वैसे वैसे ग्लोबल जायंट अमेरिकन कंपनियां हमारे साथ काम करती है, तो उनकी जो सिक्योरिटी पैरामीटर पॉलिसीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको फॉलो करके उनको उतना सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जाते जाते मैं ये आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं यानी कंट्रोलर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप आखिरी शब्द क्या कहेंगे? देखिए हमारे को कोई भी कंपनी हो, कंट्रोलर्स या कोई भी कंपनी, वो लोगों के बिना नहीं चलती। आज हमने कंट्रोलर्स में यहाँ पर डेटा सेंटर बनाया, लगभग हमारे को ऐसी उम्मीद है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के हम 1200 जॉब के आसपास जनरेट करेंगे, और अगले आने वाले महीनों में हम खुद के लिए भी रिक्रूट करेंगे और जो कंपनियां हमारे साथ होस्ट करेगी वो कंपनियां भी लोकल टैलेंट कोलकाता में डेफिनेटली रिक्रूट करना चाहेगी। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो शायद कहीं भी बसे हुए और कोई भी कारण से वापस कलकत्ता आना चाहते हैं और अपने खुद के नेटिव में रहकर काम करना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। कलकत्ता के जो लोकल टैलेंट है भले वो यू नो बहुत किस्म के जॉब हम जनरेट करेंगे, राइट फ्रॉम सिक्योरिटी के स्टाफ हो, सेफ्टी के स्टाफ हो, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के इंजीनियर्स हो या ऑपरेशन स्टाफ हो, उसके आगे चलकर हमारे जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट और मैनेज सर्विसेज हम देते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट से लगा कि उस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स हैं और हम एप्लीकेशन सपोर्ट भी करते हैं, तो उस तरह के जितने भी युवा जो हैं और वो कलकत्ता में रह के यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कंट्रोलर्स के आने से उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फायदा होने की संभावना है। इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं सर ने अभी अभी कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पर मिलने वाली है, जी हाँ तो बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सप्तेश जी, धन्यवाद, थैंक यू। ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24x7 ताजा समाचार सकल दर्शक देर के आमार पक्ष थेके अनेक अनेक शुभेच्छा। 24x7 ताजा समाचार के आमार तरफ थेके ऑल द बेस्ट।